बहुत धीरे से, बहुत धीरे से, बहुत धीरे, तू आकर ब्रेक मार। ऑल गुड ब्रदर, ठीक है। जब आपका सुबह सुबह मूड अच्छा हो ना, तो सब चीजें इतनी बढ़िया होती है, इतना मजा आता है ना। और बोनस में यहाँ से व्यू जो मिलता है, वो जो टर्किश ब्लू, मजा ही आ जाता है यार। तो दो दिन गए ना मेरे पेंगोंग के, बहुत ही बढ़िया गए, बहुत ही बढ़िया। सब सामान हमने बाहर निकाल दिया, बेंच पे रखा है, अब फिर इसको बाइक पे रखेंगे पेंगोंग लेके। वहाँ पे बीच में एक बोट दिख रही होगी, वो नेवल की बोट है जो कि सर्विलेंस में निकलती है। लोगों का पैकिंग हो चुका है, ऑलमोस्ट सारा डन कर दिया। अब करते हैं नाश्ता। इसको देखते देखते हमारा हो रहा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट। ऐसे आज कौन से पराठे? गोभी पराठे है और चाय है गरमा गरम। आज का पेंगोंग का लास्ट ब्रेकफास्ट। बाहर की तरफ बढ़िया सा व्यू और यहाँ पे बढ़िया सा ब्रेकफास्ट और यहाँ पे भरोसे वाला स्टिकर रुपेश चावड़ा ब्लॉग्स। अपने नाम मुझे ज्यादा याद रहते नहीं है, इसलिए सर से मैं दो बार तो पूछ चुका हूँ। सर ने नाम बताया रिक्जिन मोटू। कोटेज जो था, खाना जो था, बहुत ही बढ़िया लगा। अगर कोई भी मेरे नाम के थ्रू आता है, उनको डिस्काउंट मिलना चाहिए। जी श्योर, मैं देखूंगा। अगली बार भी आएंगे, हम यहीं पे रुकेंगे। ये हमारे आज के दिन का पहला और सबसे खतरनाक ब्रिज। वाटर क्रॉसिंग वाला एरिया आ गया है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े तीन नाले हैं। आराम से कुछ नहीं है। ओके, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रॉस कर लिया हमने। कीचड़ क्रॉसिंग भी हो रहा है आज का। अच्छा हुआ हम लोग दो दिन पहले आ गए, क्योंकि अभी जो ट्रैफिक आ रहा है हमारे सामने, वो इतना सारा है कि हम कंटाल जाते हैं यहाँ पे पैंगों पे रुक के। जितने लोग देख रहे हैं ना आप लोग, ये सबको पीछे छोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि इनको आदत नहीं है हिल पे चलाने की। हमको बड़ी अच्छी आदत लग चुकी है यहाँ पे चलाने की। घूमते घूमते हम लोग तांगसेन पहुंच गए, और तांगसेन लगता है पैंगोंग से कुछ 35 किलोमीटर की जितना। यहाँ पे ये जो ब्रिज देख रहे हो, तांगसेन का ब्रिज है, और यहाँ से दुर्बुक तक तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नुब्रा जाना है अगर तो दुर्बुक तक तो जाना ही पड़ेगा। अरे एक और चीज बताना, मैं भूल गया, हम लोग नुब्रा जा रहे हैं। अच्छा ऑफ रोड है कि कैसा है? अच्छा ऐसा ही है। दुर्बक पहुंच गए थे, बहुत सारे बाइकर गैंग वहां पे रुके थे, और हमें तो रुकना है नहीं, रास्ता पकड़ लिया, चलाएंगे बाइक एकदम मस्त वाला। पूछा था कि आगे रास्ता खराब है कि नहीं है, अब देखते हैं कैसा रहता है रास्ता हमारे लिए। थोड़े टाइम बाद ये नया ब्रिज भी खुल जाएगा, लेकिन तब तक तो हमें जो छोटे वाले ब्रिज है उसी पर से बाइक निकालना पड़ेगा। अच्छे सीन के साथ एक खतरनाक ऑफ रोड भी आता है, जो ऑफ रोड आपको दिखाने जाऊंगा तो पूरी पिक्चर ऑफ रोड की बन जाएगी। अगर आपको ढलान नीचे की ओर लेके जा रही है ना, तो उसमें खुश मत होना कि उतनी जितनी आपको डाउन हिल मिलेगी ना, उससे तीन गुना ज्यादा आपको अप हिल मिलेगी। सेकेंड टाइम बहुत धीरे से तू आकर ब्रेक मार। ऑल गुड ब्रदर, ठीक है। टायर में ग्रिप नहीं है। हमारे सामने तीन लोगों को हमने गिरते देखा। थोड़ा रेत और बजरी वाला रास्ता है, रोड को बहुत ही ध्यान से और सीरियसली लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफ रोड वाला है। चीन जाए तो ऊपर भी नहीं पहुंचेगा। मेरे सर चीन नहीं जा रहे हैं हमें। आप चीन जा रहा था, आपको मोबाइल चेक करना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूपेश। जाओ। ओके सर, थैंक यू। ये पूरी ट्रिप का सातवां चेक पोस्ट था हमारा। ओके, वन मोर पोस्ट खत्म। ऐसा रास्ता है, अब हमारी बारी है। रे मस्का। हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो वैसे रास्ता ठीक है, इतना अच्छा रास्ता भी नहीं है और इतना ऑफ रोड वाला भी नहीं है। पर ये चांगला और पेंगोंग से तो अच्छा ही रास्ता है, इतना खराब भी नहीं है। जो लोग बता रहे थे कि इतना खराब ये है वो है, उतना तो वैसा कुछ लगा नहीं। अभी लैंडस्लाइड जोन है, या ऊपर की ओर जो ये पत्थर दिख रहे हैं ना, वो सारे समुद्र में जो रहते हैं ना, वो मिट्टी से चिपके हुए पत्थर, वही सारे पत्थर ही है। पूरा गिरा हुआ है रास्ता, यहाँ पे रास्ता था नहीं, ये अभी बना बना है।
मतलब ठीक ही है, ज्यादा कुछ था नहीं। यहाँ पे तो रोड ही नहीं है। अच्छे से लगाओ, इधर से लगाओ। लाइट वेट बाइक में कुछ नहीं होता, आपको क्लच छोड़ के एक्सेलरेशन करना है, बस सिंपल सी बात है। क्या ऑल इंडिया राइड पे निकले आप लोग? नहीं, हम लोग एक प्रोजेक्ट पे निकले थे। हाँ। रक्षाबंधन ड्राइव, एक बंधन। हम लोग मुंबई से अराउंड 12,500 राखी इंडियन आर्मी के लिए कारगिल लेके आए थे। अच्छा। कारगिल माता ने तो ये लोग ने राखड़ी मोकलावी थी। हाँ। मोहरम आवेगी ने बच्चे मनाली में अटकी गई राखड़ी पहुंची। अच्छा। What a crossing! ऑफरोडिंग वाला जो लंबा चौड़ा पैच था, वही मुझे लगा कि ज्यादातर लोगों को ऑफरोडिंग लगा होगा। बाकी का जो था आगे का पैच वो तो ठीक ही था, नॉर्मल ही था। आप लद्दाख में हो यार, थोड़ा तो ऑफरोडिंग मिलेगा। इस लैंड ऑफ हाई पासेस, तो यहाँ पे थोड़ा ऑफरोडिंग तो मिलेगा ही मिलेगा। ऑफ रोड खत्म करके हम जिस वैली से जा रहे हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है। अगर आप यहाँ पे बाइक चलाओ तो बहुत ही आराम से चलाना, हर कॉर्नर पे कोई ना कोई आपको मिल जाएगा टकराने वाला। यहाँ पर ज्यादातर लोग हिमालय लेके आते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा तो अगर 150cc लेके भी आओगे फिर भी मोर देन सफिशियंट रहेगा। आराम से चलने वाली जगह है, इतने बढ़िया नजारा है, इतने बढ़िया पहाड़ है, ये जो वैली है बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये जो रास्ता है आगे का, वहाँ पे बहुत सारे बुलेट वाले जाके आगे, ये लैंडस्लाइड एरिया है जहाँ पे हम लोग खड़े। और क्या हो रहा है तो यहाँ से हम लोग ऑफरोडिंग करेंगे, थोड़ा सा ही ऑफरोडिंग पैच है। ये छठवा ब्रिज आ रहा है और अभी ये टर्निंग आया है कुछ डूबरा की तरफ जाने का। यहाँ से सीधे जाएंगे तो भी एक रास्ता जाता है लेक की ओर, और यहाँ पे नुगरा तक का ये रास्ता है। अगर आप बाइक लेके आओगे तो इस रास्ते का पूरे पूरा आपको फील मिलेगा। वैसे हवाएं बहुत ही तेज है इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, बाकी रास्ते के मजे पूरे ले रहे हैं हम लोग। ऐसे छोटे मोटे ऑफ रोड तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा, ये तो है। ऐसे तो बहुत आके चले गए। जब हम ले से निकले तब हमने टंकी फुल नहीं करवाया था, उसके बाद ऑलरेडी 200 किलोमीटर चल चुके थे। हमारे टंकी के अंदर 1 लीटर पेट्रोल रहेगा, जहाँ से पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कहाँ से कौन सी वैली लगती है, कहाँ से खारदुंगला लगता है, कहाँ से नुबरा जाना है। तो अभी हम नुबरा के रास्ते जा रहे हैं क्योंकि खारदुंगला वाला रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। नुबरा वैली जाने का जो कट आता है ना, वहाँ से नीचे उतरने का जो रास्ता है वो पूरा कभी रास्ता है। फाइनली नुबरा वैली तक पहुंच गए हम लोग। फाइनली पेट्रोल पंप देख के जान में जान आ गई। पूरा काटा नीचे हो चुका था, मुश्किल से पहुंच मुश्किल से पहुंचे। पूरा टंकी 7वीं बार फुल, 107 पॉइंट समथिंग कुछ रेट है। 12 लीटर से ज्यादा आ रहा है अब तो। दिखा तो कितना है अभी,
बस बहुत है। 1350 और पौने 13 लीटर का पेट्रोल आया, टंकी फुल हो चुका, अब मजा आएगा कुछ। एक टंकी हमारे चला 500 किलोमीटर चला, खरदुंगला दो बार, टंगला पास, पेंगोंग लेक, सब मिला के 500 किलोमीटर बहुत बढ़िया से चला भाई। तो पेट्रोल पंप जो लगा था वो खालसर में लगता है और खालसर पे हम यहाँ पे चाय नाश्ता करने बैठे थे, यहाँ पे हम लोग रुके थे, वहाँ पे भैया ने चाय पिलाई बहुत ही बढ़िया वाली। और अगर आप आओ तो यहाँ पे चाय पानी पीना भूलना मत, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल भी पी लेना, थोड़ा रेस्ट खुद को भी लेना, चाय पानी भी लो है। बिस्किट यहाँ से 15 किलोमीटर लगता है। यहाँ ऊपर चढ़ने के रास्ते जो कर्विंग वाला रोड है वहां से जो ब्यूटी दिखती है, जिस रोड से हम सीधा रोड था वहां से आए, देखो वो सामने की तरफ ब्यूटीफुल माउंटेन्स दिख रहे हैं और वो सीधा रास्ता और वहां पे एंड पॉइंट, और यहाँ से देखो एक जिपलाइन लगता है इस वॉच टावर से लेकर वो सीधा उस तरफ जो छोटा सा दिख रहा है वहां पर। ऐसी ऐसी जगह हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? किस जाने के रास्ते ये जो व्यू मिल रहा है ना, जो हाइट पर से बड़ा ही ऑसम व्यू है। सारे नज़ारे जो मैंने आपको दिखाया है वो नज़ारे थे हुंदार के, और हुंदार पहुंच के हम दो बहुत सारी जगह पे घूम रहे थे, लेकिन एक प्रॉपर्टी मुझे ऐसी तलाश थी कि फैसिलिटीज भी हो, व्यू भी हो, गार्डन भी हो, सारी चीज़ें हो और अच्छे से सेटल हो जाए, वैसी जगह मुझे मिल गई और वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने गार्डन की बात की थी, यहाँ पे गार्डन हरे भरे मिल जाते हैं, यहाँ पे कैरेट भी है, मूली भी है, सब आंटी ने उगा के रखा है। पीछे की तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल सनरेज के साथ पहाड़ियाँ दिख रही है, इस तरफ की पहाड़ियाँ तो ठीक, लेकिन उस तरफ की पहाड़ियाँ दिख रही है ना, यहाँ पे गार्डन पूरा इस तरफ, ये सजावट जो गार्डन की सजावट होती है ना वो मुझे बहुत पसंद आती है। वहाँ पे कैंप फायर का भी जगह है, पीछे की पहाड़ियां भी धूप के साथ दिखेगी लेकिन अभी नहीं दिखेगी। ऐसी होटल ढूंढते हैं, ऐसी जगह ढूंढते हैं रहने के लिए कि जहाँ से नजारे बहुत ही ब्यूटीफुल दिखे। सामने जो लोबरा के जो फेमस पहाड़ है वो दिख जाते हैं और रूम कुछ इस तरीके से दिख रहा है, दो लोगों के लिए सफिशियंट स्पेस, चार्जर वहां पर, चार्जर वहां पर, वहां पर और वहां पर भी है, और बाथरूम में भी चार्जर है। बाथरूम में चार्जर होना बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कुछ लोगों के लिए। सामान है उतना कि हम अलमारी में भी रखेंगे थोड़ा सामान, बाथरूम सफिशियंट स्पेस के साथ मिल जाता है, इतना तो इनफ है ना आपको स्टे करने के लिए, इतना तो इनफ है ना। सही शाम होती है, यहाँ के नजारे एकदम से चेंज हो जाते हैं, जो स्काई है वो एकदम लाइट हो गया और पहाड़ जो है वो दूर से चमक रहे, जो नाइट का जो मून लाइट रहता है ना यहाँ के पहाड़ उसमें बहुत ही चमक होता है। लेकिन जब आप होम स्टे में रहते हो तो वहां पे आपको चारों ओर जो नजारे मिलते हैं ना उसमें मजा आ जाता है। वहाँ पे सनसेट हो चुका है और ये सारे जो नज़ारे हैं वो देखने का मजा कल सुबह बहुत ही बढ़िया आने वाला है। मैं तो वेट कर रहा हूँ कल सुबह के सनराइज का।